हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, जिसमें कि चार ऑप्शन दे रखी है। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको पता करना है, आपको बताना है। तो क्या दिया हुआ है वैसे आपको, वैल्यू ऑफ 249 स्क्वेयर माइनस 248 स्क्वेयर एज, इनमें से कौन सी इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये अगर क्वेश्चन एमसीक्यू ना होता तो इसको किस प्रकार से करते हैं, उस प्रकार से मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो 249 स्क्वेयर, माइनस 248 स्क्वेयर, ये कैसे होता है, मतलब टीचर आपको कह देते हैं कि आपको ये इसकी जो वर्किंग है वो भी शो करनी है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार से मैं इसको कर रहा हूँ, 249 माइनस 248, और एक बार दोबारा से 249 248 लिखेंगे, लेकिन इस बार बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। इसकी जो आइडेंटिटी है आपको वो ज़रूर लिखनी है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जब कभी आपको वर्किंग शो करनी हो। तो ये बराबर होता है ए माइनस बी, और दूसरी ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, ठीक है, ओके। तो अब इसको 249 में से 248 करें माइनस, तो आपको 1 मिलता है। दूसरी ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करें, 249 के अंदर 248 को, तो 9 एंड 8 17, 1 1 4 5 4 9, तो यहाँ 9 लिखा, 2 एंड 2 4 497, तो 497 इधर आएगा। मल्टीप्लाई करके 1 को किसी भी मल्टीप्लाई करें आपको 490, मतलब वही नंबर मिल जाता है, तो यहाँ 497 मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि आपका राइट ऑप्शन जो हुआ ये डी हुआ, राइट ऑप्शन डी इज राइट, जो कि 497 है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको करना वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। कमेंट करना है आपको, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और शेयर करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद, सब कुछ करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिए बेल आइकन के बटन को दबा करके, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।